સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં યોજાનાર લોકસભાની પેટા ચૂંટણીમાં મતદારો પોતાના મતાધિકારનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે તે માટે ઇલેક્શન બ્રાન્ચ દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત ઇલેક્શન બ્રાન્ચ દ્વારા સેલવાસ તથા અથાળ ગામ સહિતના વિસ્તારોમાં મોબાઈલ વાનમાં ઈવીએમના ડેમોન્સ્ટ્રેશન શરૂ કરી લોકોને મતદાન કેવી રીતે કરવું તે બાબતનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે। के लिए तैयार है। अब मैं किसी भी एक कैंडिडेट को वोट देता हूँ, मैं देता हूँ चलो ये 3 नंबर को, मैंने 3 नंबर को वोट दिया, यहाँ पे लाल लाइट आ गई। ऑफिसर के पास रहती थी, वो वहाँ से बैलेट बटन दबा के वोट रिलीज करता था, तब आप जाके इस मशीन पे वोटिंग कर पाते थे। बराबर एक आवाज आती थी कि भाई हमने तो इस वोट दिया था, हमारा वोट इसको गया है कि नहीं गया आपको क्या पता, हमने तो फलाने कैंडिडेट को वोट दिया था कि भाई हमने तो इस किसी को वोट दिया था, हमारा वोट इसको गया है कि नहीं गया आपको क्या पता, हमने तो फलाने कैंडिडेट को वोट दिया था। उसका चुनाव चिन्ह, ये 3 चीज दिख रही है आपको, मतलब मैंने जिसको वोट दिया मेरा वोट उसी को गया है, ये बात इस चीज से प्रूव होती है। आपका पोलिंग बूथ कौन सा है वो सब कुछ आपको उस पे मिल जाएगा। उसके बाद है 1077 हेल्पलाइन नंबर, आपको आपका पोलिंग बूथ कौन सा है वो सब कुछ आपको उस पे मिल जाएगा। उसके बाद है 1077 हेल्पलाइन नंबर, आपको से जुड़े सभी पदाधिकारी का अगर 5 कैंडिडेट खुले हैं तो 5 बटन खुले रहेंगे, 4 कैंडिडेट खुले हैं तो 5 बटन रहेंगे। 5 नहीं पसंद तो वोटिंग के दिन आप क्या करेंगे, घर पे बैठे सोए रहेंगे, वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको वोट देने जाना है।